नमस्कार सी गुरुकुलम कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन गुरुकुलम के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि योग में क्या क्या भ्रांतियां हैं क्या क्या मिसकॉन्सेप्शंस हैं मिस नॉमर्स हैं और उनको हल करने का प्रयास योग का जो सत्य स्वरूप है उसको उद्घाटित करने का प्रयास भी हमने किया था उसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं हठ योग के बारे में हठ योग क्या है हठ योग का वास्तविक स्वरूप क्या है हठ योग के कंपोनेंट्स अवयव क्या है हठ योग के अभ्यास को हम किस प्रकार से करते हैं हठ योग की हिस्ट्री क्या रही है इन सभी बिंदुओं को हम संक्षेप में आज के इस चर्चा में रखने वाले हैं सबसे पहले कुछ हम भ्रांतियों की बात कर लेते हैं भ्रांतियां व्याप्त हैं ज्ञान सीमित है वैसे तो कहते हैं कि ज्ञान व्याप्त है और भ्रांतियां नहीं है लेकिन देखने में हमें यही मिलता है कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ भ्रांतियों से ग्रसित रहता है उसी को हल करने के लिए हठ योग में जो सबसे व्याप्त भ्रांति है वह यह है कि हठ योग नाम से लोग समझ लेते हैं कि कुछ जबरदस्ती करने वाली चीज है कुछ बलात् करने वाली चीज है कुछ फोर्सफुली करने वाली चीज है कुछ मोल्डिंग करने वाली चीज है कि जबरदस्ती अपने शरीर को इस आसन में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कठिन से कठिन किसी भी शारीरिक विन्यास में बैठाना ही हठ योग है या श्वास पर की कोई दुष्कर क्रिया या सुबह उठकर गंगा जी में एक पैर पर खड़े हो जाना को हठ योग समझना ये सभी भ्रांतियां हैं इन भ्रांतियों को समझने के लिए इन भ्रांतियों के निवारण के लिए हमें हठ शब्द को समझना पड़ेगा हठ योग में जो पहला पद है हठ वह दो लेटर से दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है पहला वर्ण है ह दूसरा वर्ण है ठ ह का अर्थ यहाँ पर होगा हकार ठ का अर्थ होगा ठकार अब हकार और ठकार क्या क्या प्रदर्शित करते हैं वैसे सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो हकार सूर्य को प्रदर्शित करता है और ठकार चंद्र को प्रदर्शित करता है लेकिन ये जो अर्थ हैं वो सिंबॉलिक हैं, ये जो अर्थ हैं ये व्यापक अर्थ हैं। सूर्य का अर्थ बस वही सूर्य नहीं है जो आकाश में हम रोज सुबह उगते और शाम को अस्त होते देखते हैं या वह चंद्र ठकार ही नहीं है जो हमें पूरी रात्रि अपनी ऊर्जा से अपनी ऊष्मा से हमें जगाए रखता है पर सूर्य वर्ड जो है वो हमारे शारीरिक क्षमता को दिखाता है वह हमारे शारीरिक संरचना को दिखाता है वह हमारे शारीरिक ऊर्जा को दिखाता है वह हमारे प्राण को दिखाता है वह हमारे शक्ति को दिखाता है वहीं पर ठकार जो हमारे अंदर की रचनात्मकता है जो हमारे अंदर का चित्त है जो हमारे अंदर की भावना है चंद्र को हम मन ही कह देते हैं वेदों ने तो चंद्रमा मन कहा है कि जो चंद्रमा है व्यक्ति के मन से रिप्रेजेंट प्रदर्शित या उसको प्रभावित करता है ज्योतिष शास्त्र में भी चंद्रमा को मन का ही एक कारक बताया गया है जब जिस व्यक्ति का हकार और ठकार बैलेंस हो जाता है यूनाइट हो जाता है एकत्रित एक हो जाता है एकीकृत हो जाता है हारमोनी में आ जाता है वही है योग हठ योग जब ह और ठ हकार ऊर्जाओं मतलब फिजिकल एनर्जी से शरीर की ऊर्जाओं से और मानसिक ऊर्जाओं से जब सम्मेल हो जाए एक दूसरे का उसके माध्यम से जो योग हो वही है ह ठ योग आप में से अधिकांश लोग कोई ना कोई संकल्प लेते होंगे कि सुबह उठेंगे भ्रमण करेंगे व्यायाम करेंगे अच्छी डाइट रखेंगे जीवन में ये ये जो संकल्प उनको करना है लेकिन शरीर आपको फॉलो नहीं करता है सोचते बहुत है कर नहीं पाते कहीं ना कहीं एक मतभेद है आपके शरीर में और आपके अंत ऊर्जाओं में आपके मन में यही जो द्वंद है उसको दूर करने का विज्ञान हठ योग है जो चाहेंगे वही बोलेंगे वही करेंगे यत व्रतम तत् कृतम ये किससे संभव है तो हठ योग के अभ्यास से संभव होता है इसको परिभाषित करते हुए सिद्धांत पद्धति एक ग्रंथ है हठ योग का एक ग्रंथ है उसमें परिभाषा मिलती है हकार कीर्ति सूर्य ठकारश चंद्र उच्चते सूर्य मसोर योगात हठ वि हठ योगो निगद्यते हकार और ठकार के सम्मेल को शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा के सम्मेल को एकीकृत एक को प्राण और मन के लय को हम कहते हैं हठ योग पुस्तक है योग शिखोपनिषद वह भी कुछ इसी प्रकार की श्लोक की बात करती हकारेड़ तो सूर्य यह सकारेण चंद्र उच्यते एक ही एक ही वाक्य को अलग अलग प्रकार से सदस्य पद्धति में बताया है अब हम बात करने जा रहे हैं हठ है योग के अभ्यास का क्रम कैसा होता है जैसे आपने पातंजल योग के बारे में सुना है आपने अष्टांग योग के बारे में सुना है आपने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा है समझा है आपने कर्मयोग के बारे में पढ़ा है सुना है समझा है उसी प्रकार से हठ योग का अभ्यास किस प्रकार से होगा हठ योग के अवयव क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके अंग क्या हैं? तो जिस प्रकार से चार दिशाएं होती हैं उसी प्रकार से हठ योग के भी चार अभ्यास तो न्यूनतम है मिनिमम चार अभ्यास तो होने ही चाहिए यदि कोई भी अभ्यास हठ योग के श्रेणी में आना चाह रहा है कोई भी साधक हठ योग की साधना करना चाह रहा है कोई भी व्यक्ति इसका अभ्यास करना चाह रहा है तो उसके योग क्रम पे पूरे एक घंटे दो घंटे के प्रोटोकॉल में ये चार चीजें होनी ही चाहिए इससे अधिक भी हो सकती हैं लेकिन मिनिमम चार हैं पहला क्या है आसन दूसरा क्या है कुंभक तीसरा क्या है मुद्रा और चौथा क्या है ध्यान की समाधि के जो अभ्यास है जिनको हम नादानुसंधान कह देते हैं तो श्लोक आपको हठयुक्त प्रदीपिका ग्रंथ में मिल जाएगा आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे तो ये चार पहले पहले आपको अपने शरीर को आसन के अभ्यास से दृढ़ बना लेना है कुंभक प्राणायाम के अभ्यास से अपने शरीर में जो नाड़ियों की अशुद्धि है जो इम्प्योरिटीज है जो बैड जो कंजेशन हो चुके हैं ऊर्जा में जो ब्लॉकेज है उसको हटाने के लिए हम प्राणायाम अर्थात कुंभक का अभ्यास करते हैं और मुद्रा बंध के माध्यम से जो दृढ़ शरीर है और उसमें जो पूरित वायु है या पूरित प्राण है या संपूरित प्राण है उसके विस्तार के लिए उसको एक दिशा में कुंडलिनी जागरण इसको एक शब्द दिया जाता है योग के व्याख्यानों में कि कुंडलिनी जागरण के लिए कुंडलिनी क्या है तो आपकी ही सोई हुई शक्तियां हैं आपने अपने जीवन में देखा होगा आपने बहुत बार ऐसे ऐसे कार्य कर दिए होंगे तत्ण जो आपको लगा होगा कि ये मेरे से कैसे हो गया मेरा तो सामर्थ्य नहीं है ये करने का मैंने कैसे कर दिया और बाद में आप उसको भूल गए होंगे आपके अंदर योग विज्ञान यही कहता है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे जो आपके शरीर में है वो पूरा ब्रह्मांड ही है आपकी जो बॉडी है आपका जो माइंड है आपका जो पंचकोश है पूरे विश्व को की शक्तियों को रखता है मुद्रा और बंधो के अभ्यास से महामुद्रा महाबंधो महावेधस् खेचरी उन्न बंधस्तो ऋशक्ति चालनम इधम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम ये जो मुद्रा बंध है दश की संख्या हटियो प्रदीपिका में बताई उसके अभ्यास से आपकी जो सुषुप्त शक्तियां हैं जिसको कुंडलिनी नाम दे देते हैं उसकी जागृति होती है और आप अपने जीवन में हर एक लक्ष्य हर एक एम ऑब्जेक्टिव को अचीव करते आपका शरीर वही करेगा जो आपका मन कहेगा आपका मन वही कहे करेगा सोचेगा समझेगा जो आपकी बुद्धि कहेगी और जो व्यक्ति बुद्धि के अनुग्रह से चलता है द पर्सन हु इज गाइडेड बाई विजडम इज ऑलवेज हैप्पी इज ऑलवेज विनिंग अंतिम जो पार्ट है वह है नाद अनुसंधान अनुसंधान का अर्थ होता है रिसर्च फाइंडिंग टेक्नोलॉजी अन्वेषण नाद का अन्वेषण नाद, नाद क्या है नाद क्या है ध्वनि है नाद आप देखोगे आप पूरे शरीर में कुछ ना कुछ गति हो रही है आपका हृदय गति कर रहा है आपका रक्त गति कर रहा है पूरा ब्रह्मांड देखें एक एक कण एक एक एटम एक, एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन लेप्टो क्वाक्स एवरी एवरीथिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इज मूविंग आप अर्थ को देखो पृथ्वी को देखो, देखो मूव कर रहा है और जहां पर भी गति है वहां पर नाद है वहां पर तरंग है वहां पर वेव है और इसी पूरे ब्रह्मांड में एक तरंग है जो आध्यात्मिक तरंग है जिसको हम नाद या लय कहते हैं उसके 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 रिसर्च को उसके अनुसंधान को उसके ध्यान को अनुसंधान अनुसंधान ध्यान हम नाद के रूप में लेते हैं तो ये चार चतुरंग योग का प्रतिपादन हठियु प्रदीपिका में मिलता है उसी प्रकार से एक और ग्रंथ है महर्षि घेरंड जी द्वारा रचित है ये जिसमें राजा चंड कपाली हैं जो शरीर से बहुत सारे रोगों से ग्रसित हैं राजा राजा का अर्थ है जो भोग विलास पे लगा हुआ है जो जीवन को जीने में लगा हुआ है योग में नहीं लगा हुआ जो भोग में लगा हुआ है उसको बहुत प्रकार के रोग हुए हैं भोगी से ही व्यक्ति रोगी बनता है और जब रोगी से भोगी से हटता है तो योगी बनता है तो एक भोगी व्यक्ति जाता है एक योगी महर्षि घेरंड के पास और अपने शारीरिक व्याधियों को मानसिक व्याधियों को आत्मा के उत्थान के लिए उनसे प्रार्थना करता है तो महर्षि उनको बताते हैं सप्त पहले हमने देखा हम देख अंगों वाला सप्तांग योग भी आप इसको कहना चाहें तो कह सकते हैं श्लोक इस प्रकार से है शोधनम दृढ़ता चै स्थम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम घटस्य सप्त साधनम घटस्थ योग भी इसको कहते हैं हठ योग का जो जो अर्थ सप्तांग योग में महर्षि घेरंड ले रहे हैं उसको घटस्थ योग भी कहते हैं घट का अर्थ हमारा शरीर ही है जैसे शरीर जल में गल जाता है शरीर मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही जाकर मिल जाता है उसी प्रकार से घट भी है मिट्टी का जो घड़ा है वो भी है इसलिए इनकी तुलना की गई है तो सात जो एलिमेंट हैं सात जो अवयव हैं वो कौन कौन से हैं अपने शरीर को आपको शोधन करना होगा प्यूरीफाई करना होगा आपको आपके शरीर में बहुत सारी इंप्योरिटीज़ हैं टॉक्सिक्स हैं डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा इस शब्द में आप समझे उसके बाद आपके शरीर में कमजोरी है वीकनेस है वेस्टिंग हो रखी है उसके लिए दृढ़ता जरूरी है आसनों से दृढ़ता आएगी फिर आपके शरीर में स्टेबिलिटी नहीं है मानसिक भी और शारीरिक भी धैर्य नहीं है पेशेंस परजेवरेंस नहीं है लघुता हल्कापन नहीं है मधुरता नहीं है सोफिस्टिकेशन नहीं है और आप प्रत्यक्ष नहीं कर पाते किसी भी विषय वस्तु को समझ नहीं पाते और उसमें रम नहीं पाते निर्लिप्त नहीं हो पाते तो इसके लिए सप्तांग योग का अभ्यास इन्होंने बताया है श्लोक कुछ इस प्रकार से आता है छठकर्माणाम शोधनम आसने भवे दृढ़ मुद्रया स्थिरता चैव प्रत्याहारेण धीरता प्राणायाम लाघवन ध्यान प्रत्यक्षात्म सामधिप्त मुक्तिरव न संशय षटकर्मो से क्या होगा शोधन होगा षट कर्म प्रकार के कर्म धौतिरवस्ति तथा त्राटकम नौलीक तथा वस्त्रधोती से अपने आथ, अपने को अपने अपर को अपर जीआईटी क्लीन करना है नैती कर्म करना है त्राटक कर्म करना है नौली कर्म आपने देखा होगा जिसमें पेट की जो एबडोमिनस रेक्टस मसल है उसको एकत्रित करके और हम इस प्रकार से गति करते हैं ये सभी जो अभ्यास हैं शरीर के शोधन के लिए सबसे पहले जिस प्रकार से घर को हम शुद्ध करते हैं उसी प्रकार से जो हमारा घर है जो शरीर है वो भी घर है हमारा उसको हम शोधित करते हैं शोधन षटकर्मों के माध्यम से फिर आसन से दृढ़ता आती है मुद्राओं के अभ्यास जो मैंने अभी बताया महामुद्रा महाबंदर जो दस मुद्राओं के बारे में बताया कुंडलिनी जागरण के परिप्रेक्ष्य में जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है जब हमारे हम अपनी शक्तियों को जान लेते हैं तो हम स्थिर हो जाते हैं यदि आपके जीवन में स्थिरता नहीं है तो उसका एकमात्र कारण होगा कि आपने अपनी शक्तियों को समझा नहीं है इसीलिए आप चंचल हो रहे हैं इसलिए आप कुछ पा लेना चाह रहे हैं और जब आप अपनी शक्तियों को पा लेते हैं तो आप अपने जीवन में स्थिर हो जाते हैं मुद्रा के अभ्यास से यही स्थिरता प्राप्त होती है चौथा जो अंग है सप्तांग योग का वह है प्रत्याहार प्रत्याहार से आता है धैर्यता तो आप परस करते हो आप अपनी शक्तियों को समझकर एक नियमित समय नियत समय तक आप वेट कर सकते हो आप रुक सकते हो आप धैर्य का परिचय दे सकते हो और पांचवा जो अंग है वह है प्राणायाम प्राणायाम से लघुता आती है प्राणायाम से आपके शरीर और आपके मन में लघुता आती है हल्कापन आता है जो हल्का होता है वह ऊपर जाता है जो भारी होता है वो दब जाता है आपने ये जीवन का नियम देखा है छठा है जो अवयव वह ध्यान ध्यान से हम जीवन के बहुत सारे आयाम से हम अछूते हुए हैं यदि आप जिस रास्ते पर चलते हैं आज उसी रास्ते पर जाइएगा और एक बार ध्यान से जाइएगा आपने बहुत सारे ऐसे वृक्ष नहीं देखे होंगे आपने बहुत सारे ऐसे घर नहीं देखे होंगे आपने उस रास्ते को ही नहीं देखा होगा हो सकता है आप जिस व्हीकल जिस गाड़ी जिस माध्यम से जा रहे हैं उसको भी आपने ध्यान से नहीं देखा होगा हो सकता है आपने अपने घर को अपने स्वयं को भी ध्यान से नहीं देखा होगा तो ध्यान की हमारे जीवन में कमी है इसलिए हम बहुत ही निचले स्तर पर जीवन जी रहे हैं हमें चीजें समझ नहीं आ रही चीजों का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा और हम बधे हुए हैं तो ध्यान के अभ्यास से प्रत्यक्षीकरण होता है साक्षात्कार होता है ज्ञान का प्रकाश होता है जो वस्तु जैसी है जो घटना जैसी है जो परिस्थिति जैसी है उसको आप समझते हैं ध्यान के अभ्यास से जो सप्तांग योग में आता है और जो सातवांग है समाधि बस ध्यान से ही कार्य नहीं होता जब आप उसमें रम जाते हैं लग जाते हैं उसमें एकत्रित हो जाते हैं आप और जो वस्तु है आप जो कार्य है आप जो लक्ष्य है दोनों जब एक हो जाते हैं तो निर्लिप्तता आती है और फिर घटते हैं चमत्कार फिर घटते हैं बहुत ऐसे ऐसे चमत्कार जिससे सारे कार्य संपूर्ण हो जाते हैं इस प्रकार से आपने देखा षटकर्म आसन मुद्रा प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान समाधि इन सात अंगों में सप्तांगों को बांटा है उसके पहले आपने चतुरंग योग देखा आसनम कुंभकम चित्रम मुद्राख्यम करणम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यासानुक्रमो हठे आसन कुंभक मुद्राबंध और नादानुसंधान के अभ्यास से चतुरंग योग होता है अब हम आ, कुछ चर्चा कर लेते हैं कि हठ योग की उत्पत्ति कैसे हुई है हठ योग का विकास कैसे हुआ है हठ योग को हम किस प्रकार से ओरिजिन उसका समझ सकते हैं हठ योग को हम तंत्र का ही एक भाग समझ सकते हैं हठ योग को हम तंत्र का ही एक भाग समझ सकते हैं और तंत्र कहां से आया है तो तंत्र आया है हर गौरी संवाद से तंत्र इज जस्ट डायलॉग बिटवीन हर और गौरी जिस प्रकार से श्रीमद् श्रीमद गीता क्या है श्रीमद् श्रीमद गीता संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य इसलिए श्रीमद् श्रीमद गीता का एक नाम श्री कृष्ण अर्जुन संवाद भी कह देते हैं उसी प्रकार से तंत्र भी है संवाद चेतना और प्रकृति की चेतना कौन है शिव है प्रकृति कौन है शक्ति है आदि गौरी शक्ति तो हर गौरी शिव और प्रकृति पार्वती के संवाद से जो विज्ञान निकला है वह तंत्र और तंत्र को ही आचार्यों ने सोफिस्टिकेटेड रूप से उसको फॉर्मुलेट किया जो जन सामान्य को समझ आ जाए वही बाद में हठ योग के नाम से नाथ योग के नाम से नाथ कल्ट के रूप में आगे बढ़ता गया है तो ये कुछ इस प्रकार से एक कहानी इसमें आती है कि हिमालय की कंदराओं में हर और गौरी शिव और पार्वती का संवाद हो रहा था योग विद्या का आदान प्रदान हो रहा था पार्वती माता ने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे योग के संदर्भ में जीवन के संदर्भ में आध्यात्मिक के संबंध संबंध में मोक्ष के संबंध में तो शिव उनको ज्ञान देते हैं वहीं पर छुप एक तीसरा व्यक्ति भी है छुप अनायास या कोई ऐसी संयोग हो गया होगा आकाश अकारण उन्होंने इस पूरे विद्या को सुन लिया तीसरा व्यक्ति जो थे वो योगी हुए मत्स्येंद्र उनका नाम हुआ तो इसमें बहुत सारी ऐसी किवदंतियाँ आती हैं कि मत्स्येंद्र एक मक्षली थे मक्षली के पेट में थे बाद में बाहर आ गए योगी बन गए कोई भी घटना रही हो हम बस इस प्रकार से इसको समझते हैं कि दो संवाद था और तीसरे व्यक्ति ने उस ज्ञान को लिया और मत्स्येंद्रनाथ से उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया गया है सबसे बड़े आचार्य अगर कहे जाए तो गोरक्षनाथ जी गुरु गोरक्षनाथ जी हठयोग के सबसे बड़े आचार्य में उनका नाम आता है गोरक्षनाथ जी ने बहुत सारे ग्रंथों के माध्यम से भक्ति संप्रदाय के माध्यम से पूरे भारत में या पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आप कह लें पूरे साउथ एशिया में भूटान से लेकर नेपाल तक और उनके जो अनुयायी हुए वो दक्षिण भारत तक और भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हठ योग का इधर से प्रचार आगे चलता गया है तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि हठ योग के जो ग्रंथ हैं उसमें बाबा गोरक्षनाथ के जो ग्रंथ हैं गुरु गोरक्षनाथ के ग्रंथ हैं उनकी संख्या विशाल है उनकी संख्या बहुत ही विशाल है जिसमें सिद्ध सिद्धांत पद्धति गोरख संहिता गोरख षटकम ये जो ग्रंथ हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं इन्हीं के शिष्य परंपरा में इन्हीं के डिस डिसाइपल्स में बहुत सारे नाम आए जिनमें स्वामी स्वात्मा राम का नाम सबसे आगे आता है स्वामी स्वात्माराम राम ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका हठ योग प्रदीपिका नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि यह लाइट एक टॉर्च है प्रदीपिका का अर्थ होता है टॉर्च जिस पे प्रकाश है और किसी को प्रकाशित करता है जिसमें प्रकाश है और किसी को प्रकाशित करता है तो हठ योग को प्रकाशित करने वाली जो पुस्तक हुई जो जन सामान्य में इस समय सबसे ज्यादा प्रचलित है उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका जो लिखा गया है स्वामी स्वात्मा से उसी से ये सारे आपने रेफरेंसेस देखे हैं हकार और ठकार का भी आपने जो वर्णन है वो पद्धति जो दूसरा ग्रंथ है उससे प्राप्त होता है तो इस प्रकार आपने देखा हठ योग का परिचय हठ योग की उत्पत्ति हठ योग का उद्भव हठ योग के जो मिसकॉन्सेप्शन रहे हैं हठ योग का जो ट्रू नेचर रहा है हठ योग में जो जो अवयव आते हैं किस प्रकार से आसन कुंभक मुद्रा और नाद अनुसंधान और शोधन दृढ़ता स्थिरता धैर्य लाघ हो प्रत्यक्ष निर्लिप्त ये सप्त साधन रहे हैं